हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चोकोबार आइसक्रीम की रेसिपी, जो विदाउट मोल्ड्स मैंने बनाया है। बहुत ही इजी मेथड में बनाया है, हर कोई इसे बना सकता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। यहाँ पर हम मिल्क ले लेंगे 500 ml। फुल क्रीम मिल्क हमें ले लेना है यहाँ पर। इसे अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। देखिए अभी ये बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साइड से जो भी मलाई होती है उसे हम फिर से मिल्क में डाल लेंगे। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही कुक करेंगे। लगातार हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है। अभी देखिए हम इसे ऐसे ही कुक करेंगे 15 मिनट्स तक, ताकि अच्छे से थिक हो जाए। देखिए अभी इसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो चुकी है। 15 मिनट्स यहाँ पर हो चुके हैं। अभी यहाँ पर ऐड करेंगे शुगर। हाफ कप मैंने लिया है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर डिज़ोल्व हो जाए। अभी यहाँ पर मिल्क पाउडर मैंने लिया है हाफ कप। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लम्स फ्री हमें इसे बनाना है। मिल्क पाउडर मिलाने से यहाँ पर फैट कंटेंट बढ़ जाता है मिल्क का, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यूस हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है। यहाँ पर हाफ कप मिल्क मैंने लिया है एंड इसमें हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लम्स फ्री ये होना चाहिए। अब हम इसे ऐड कर लेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम यहाँ पर हाई टू मीडियम रख सकते हैं। अभी देखिए ये थिक हो रहा है। हम इसे ऐसे ही कुक करेंगे 2 to 3 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर, और ऐसे ही चलाएंगे। देखिए ये अच्छे से थिक हो चुका है। अभी बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पर हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून मैंने लिया है। और हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। देखिए यहाँ पर हम पानी को बॉईल करेंगे। यहाँ पर डबल बॉइलिंग मेथड हम यूज़ करेंगे चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पर डार्क चॉकलेट मैंने लिया है 50 ग्राम्स। आप सिंपली कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, जैसे कि डेरी मिल्क। एंड हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे। देखिए ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है। एंड अब देखिए ये कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है अच्छे से। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने पेपर कप्स लिए हैं, देखिए कुछ इस तरह ये होते हैं। हम इसे साइड में कुछ कट बनाएंगे इस तरह, ताकि हमें इसे निकालने में आसानी हो आइसक्रीम को। अभी जो चॉकलेट का मिक्सचर हमने बनाया था, जो चॉकलेट को मेल्ट हमने किया था, उससे हम यहाँ पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इन कप्स को। ये देखिए बिल्कुल इस तरह हम बैक साइड स्पून से कुछ इस तरह स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह ये होना चाहिए। अभी हम सारे कप्स को कुछ इस तरह अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम इसे फ्रिज में 5 मिनट्स तक रख देंगे। एंड ये देखिए 5 मिनट्स हो चुके हैं एंड ये अच्छे से सेट हो चुका है अभी। एंड जो हमने वनीला मिक्सचर बनाया था वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह सारे कप्स को हम फिल कर लेंगे। यहाँ पर सिल्वर फॉइल मैंने लिया है, इसे हम अच्छे से सील कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह। हम
हम सारे कप्स को इस तरह ही बिल्कुल कवर कर लेंगे। एंड देखिए यहाँ पर मैंने टूथपिक लिया है, हम उससे होल बनाएंगे एंड यहाँ पर हम आइसक्रीम वाली स्टिक इस पर रख देंगे कुछ इस तरह। ये देखिए बिल्कुल इस तरह हम इसे फ्रिज में रख देंगे 8 to 10 hours। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं एंड हम फ्रिज का टेम्परेचर बिल्कुल हाई पे रखेंगे। देखिए अभी 8 to 10 hours हो चुके हैं एंड ये अच्छे से सेट हो चुका है। अभी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे और ये देखिए हमारा आइसक्रीम बनकर रेडी है। अभी जहाँ पर हमने कट किया था हम वहाँ से इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह चोकोबार आइसक्रीम बनकर रेडी है।